Hello everyone. So now we are just going to move to the question number 11 of the identity a minus b ka whole square. हम लोगों ने अब तक एक से लेकर 10 सवाल पिछली वीडियो में किए थे जो कि काफी सिंपल और बेसिक सवाल थे. इस बार अब हम लोग सवाल करेंगे. इस टाइप का सवाल हमने एक पहले भी पढ़ाया था जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था. इस बार x माइनस वन अपॉन x का होल स्क्वायर किस तरीके से एक्सपेंड होगा ये देखते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया प्लस या माइनस देखता है पहले. आपने देखा कि ये माइनस यहाँ पे आ रहा है तो ये टर्म अलग रहेगा और ये वाला टर्म आपका अलग रहेगा. तो पहले क्या करेंगे आप लोग, x का होल स्क्वायर माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आता है. पहले प्लस आएगा वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि जब आप स्क्वायर करेंगे तो दोनों प्लस में रहेंगे. अब यहां पर आएगा माइनस टू इंटू एक्स की गुना कर देंगे वन अपॉन एक्स में. अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का x स्क्वायर होता है. ये आपस में नहीं कैंसिल होंगे. अगर यहां पर देखो मल्टीप्लाई का साइन होता तो आप इन दोनों को बिल्कुल आराम से कैंसिल कर लेते. जैसे देखो यहां पे मल्टीप्लाई आ रहा है, दोनों में आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा. लेकिन ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि प्लस हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास बचेगा टू. ठीक है, जब हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये सवाल किया था तो वहां पे आया था उत्तर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू. इस बार उत्तर आया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पे प्लस टू था वहां पे हो गया है माइनस टू. ठीक है, सवाल नंबर 12. सवाल नंबर 12 होगा 3x माइनस 2 अपॉन में 3x. ये भी मैं ही आपको सोल्व करके दिखाऊंगा. पहले क्या करना है बताइए, पहले हम लोग 3x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में क्या करेंगे, 3x का होल स्क्वायर. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको दो टर्म दिए थे, उन दोनों के अलग अलग आपने स्क्वायर कर लिए हैं, फिर माइनस टू लगा के इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अपॉन में 3x. चलो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, ये x स्क्वायर हो जाएगा. 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 जा 9 x स्क्वायर. और यहां पर आप देखिएगा ये 3x से 3x कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन था. यहां पर दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है. तो 2 जा कितना हो गया आपका ओनली 4. सवाल नंबर 13 ये आप खुद करके देखेंगे. ये है आपका 2a माइनस 1 अपॉन 2a का होल स्क्वायर, कर सकते हैं. सवाल नंबर 14 ये भी आप सब करके देखेंगे. ये है 4y माइनस 1 अपॉन y का होल स्क्वायर, इसे भी आप करके देखेंगे. सवाल नंबर 15 ये मैं कर देता हूं आपके लिए. यहां पर है 3ab माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे देखिए. पहले क्या करना होता है, हमें 3ab का होल स्क्वायर अलग करना होगा, प्लस 7 का होल स्क्वायर अलग करना होगा. अपने पास से 2 लगा के 3ab की गुना 3ab की गुना 7 में करनी होगी. यही था ना? फिर क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसका अलग इसका अलग, सबके अलग अलग स्क्वायर होंगे. ए का स्क्वायर अलग हो जाएगा, बी का स्क्वायर अलग हो जाएगा, प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49 माइनस 7, 3 जा 21, 2 जा 42, और ये हो जाएगा आपका ए. क्या इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, मतलब क्या इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे यस सर. क्यों, क्योंकि देखो पहले वेरिएबल आ गया, इसमें वेरिएबल नहीं है. ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू उधर पहुंचेगी, ये इधर आ जाएगा. बस साइन आपके सेम रहेंगे, साइन नहीं बदलते हैं. प्लस 49. ठीक है, सवाल नंबर 16 और 17 ये आप खुद करके देखेंगे. सवाल नंबर 16 है 7xy माइनस 5z का होल स्क्वायर. ठीक है, कर लेंगे इसको आप. 17 सवाल में होगा
x upon में 2 minus y upon में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। किस तरीके सॉल्व करते हैं इसको, पहले x upon 2 का होल स्क्वायर अलग करेंगे प्लस y upon 3 का होल स्क्वायर अलग करेंगे, अपने पास से 2 लगाएंगे और इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों के अलग अलग स्क्वायरों को खोलेंगे। x का स्क्वायर कितना होता है, x का स्क्वायर होगा 2 का होता है 4, y का हो जाएगा y स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9, और यहां देखिए मल्टीप्लाई है, जो कुछ अगर कैंसिल हो तो उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास बचेगा ऊपर एक्स वाई न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 बचेगा, इसको रीअरेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सवाल नंबर 18, ये होगा आपका a अपॉन में 4 माइनस b अपॉन में 5, उम्मीद है इसको आप सोल्व कर लेंगे। सवाल नंबर 19 है x की पावर 3 माइनस 1 या y मान लीजिएगा, इसका होल स्क्वायर खोलना है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले x की पावर 3 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू लगाना ना भूलें, फिर प्लस y का होल स्क्वायर होगा, अपने पास से 2 लगा के इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। चलिए, मैंने कहा पावर की हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, स्क्वायर नहीं करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अगर ये 3 यहां होता, लेकिन यहां पे क्या 3 की जगह कितना हो जाएगा ओनली 6, पावर की पावर में मल्टीप्लाई, ये y स्क्वायर होगा और ये कुल मिलाकर हो जाएगा ओनली 2x³y। आपकी मर्जी है, आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, वैसे x का क्यूब बड़ा है तो ये टर्म बड़ा माना जाएगा, पहले आपको इसे लिखना चाहिए फिर बाद में इसको लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप यहां भी छोड़ देंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं। चलिए, x की पावर 6 माइनस 2 y का होल स्क्वायर, इसे आप छोड़ के देखना, ठीक है, ओके।